Right students, let's start our lecture. Last lecture mein humne printer ka topic start kiya tha from our syllabus. And we have seen what is printer, what are the different kinds of printer, that is impact printer, non-impact printer. And along with that, we have also seen characteristics of impact printer and non-impact printer. And with the help of characteristics of both of them, we have also seen the difference between the impact printer and non-impact printer. Within the same lecture, we have also covered the topic that is what is dot matrix printer, what is the significance of dot matrix printer, and how dot matrix printer works. Right? So, these were the topics which we have completed within last lecture. Now, within this lecture, we will start with the topic that is laser printer. Again, I repeat within this lecture, we will start with the topic that is laser printer, which is non impact printer.

सारे जितने भी प्रिंटर्स हम पढ़ेंगे उसमें से अगर हम हाईएस्ट क्वालिटी अगर हम बात करें इट वर्क इन फास्टर मैनर राइट how the printer works से प्रिंटर is similar इट the photocopy machine or we can also say वी कैन a xerox machine Right, so if we talk about laser printer, then when we print with the help of laser printer, that is, if we print text and graphics, then we will have a very high quality resolution. Again, I repeat, we will have very high quality resolution with the help of laser printer, right? Okay, now this laser printer is also known as page printer. अगेन आई रिपीट हम लेसर प्रिंटर को पेज प्रिंटर भी कह सकते हैं क्यों पेज प्रिंटर कहेंगे बिकॉज लेसर प्रिंटर का यूज करके हम एट द सेम मोमेंट हम पूरा पेज एक साथ प्रिंट कर सकते हैं

दोनों की बात करें और अगर हम बहुत ज्यादा वेरी शार्प एंड क्रिस्प इमेजेस मतलब बहुत ही अच्छी तरह से हमें प्रिंटर में से जो प्रिंट आउट आएगी उसके ऊपर जो टेक्स या फिर जो इमेजेस होंगे इट विल बी वेरी गुड क्वालिटी उसके अंदर कहीं पर भी आपको ब्रोकन लाइंस या फिर कहीं कहीं पर पर कोई चीज मिसिंग हो आ, हो गया है ऐसा पर भी दिखाई नहीं देगा राइट सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द लेसर प्रिंटर राइट बिकॉज ऐसा क्यों है बिकॉज जो लेसर प्रिंटर है उसका रिजोल्यूशन बाकी सारे प्रिंटर से अच्छा है ना वट इज जो भी लेसर प्रिंटर मोस्ट ऑफ द लेसर प्रिंटर

all right and if we talk about number of lines per minute then we can say that laser printer can print more than 2000 lines per minute again i repeat if we talk about number of lines per minute related to the laser printer then we can say that laser printer can print more than 2000 lines per minute राइट right? कल हमने ये भी बात की थी कि जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है दैट इज जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है राइट right? उसके अंदर अगर मुझे फॉन्ट uh, या फिर उसकी साइज या फिर उसकी स्टाइल या फिर डेंसिटी ऑफ लाइन अगर मुझे चेंज करनी है तो मुझे वो पहले से ही सेट करना पड़ेगा राइट right? और वो सेटिंग के हिसाब से वो वर्क करेगा लेकिन जैसे मैंने नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको बताया था हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हम फ़ॉन्ट्स है या फिर उसकी स्टाइल है उसकी साइज है राइट right? वो सारी चीजें वो ऑटोमेटिकली ले लेगा अगर जैसे मैंने आपको कल भी ये एग्जाम्पल दिया था कि ये पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर आप देख सकते हो कि हेडर के फॉन्ट स्टाइल कलर डिफरेंट है जो मैंने कंटेंट रखा है उसकी फॉन्ट की साइज अलग है नीचे जो फुटर है उसकी भी फॉन्ट की साइज अलग है राइट तो अगर मैं लेसर प्रिंटर यूज करूंगी या फिर मोर प्रेसाइज अगर मैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज करूंगी तो ये सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा और उसी हिसाब से वो प्रिंट आउट हमें निकाल के देगा Right. Now yesterday we have seen non-impact printers are of two different types, that is inject printer and laser printer. Agarham laser printer or inject printer ko compare karenge, then laser printer are faster than inject printer. And obviously they are more expensive than other printer. एंड अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें दैट इज अगर हम इसकी रिकरिंग कॉस्ट की बात करें या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें देन ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉस्ट मतलब हम कैसा पेपर यूज करते हैं टोनर रिप्लेसमेंट के मतलब कॉस्ट क्या है ड्रम रिप्लेसमेंट की कॉस्ट क्या है टोनर मतलब पाउडर इंक जो लेसर प्रिंटर के अंदर यूज होती है और ड्रम मतलब कि जिसका यूज करके प्रिंटिंग एक्चुअली होगा राइट right? सो so, ये दोनों की अगर हमें रिप्लेस करना पड़े तो उसकी भी कॉस्ट हमें कंसिडर करनी पड़ेगी हम कौन सा पेपर यूज करते हैं उसके हिसाब से पर्टिकुलर प्रिंटर की कॉस्ट हम डिटरमाइन कर सकते हैं राइट सो वी कैन से अगर हमें वॉल्यूम प्रिंटिंग करना है विथ स्पीड राइट अगेन आई रिपीट बहुत ही स्पीडी मैनर के अंदर हमें वॉल्यूम प्रिंटिंग करना है मतलब बहुत सारे पेजेस हमें प्रिंट करने हैं तो हम उस वक्त ये लेसर प्रिंटर का यूज कर सकते हैं राइट सो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस दैट व्हाट इज लेसर प्रिंटर अगर हम लेसर प्रिंटर का यूज करेंगे तो उसके अंदर जो हमें टेक्स और इमेज की क्वालिटी मिलेगी वो बहुत ही हाई होगी इट इज अ वेरी फास्ट प्रिंटर इट इज सिमिलर टू फोटो मशीन

पॉजिटिव चार्ज बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जिंग फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस चार्जिंग इलेक्ट्रोड उसके बाद क्या होगा ये फोटो रिसेप्टर ड्रम तो पॉजिटिवली चार्ज हो ही चुका है राइट right? अब क्या होगा ये जो लेसर स्कैनिंग यूनिट है ये लेसर स्कैनिंग यूनिट यहाँ से लाइट थ्रो करेगी राइट right? ये जो लेसर स्कैनिंग यूनिट में से जो लाइट थ्रो हुई ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक होगी राइट और ये मिरर की वजह से वो सारी लाइट ये पर्टिकुलर ड्रम के ऊपर फैल जाएगी राइट right? नाउ ये मिरर रोटेटिंग मिरर होगा अब क्या होगा हमने ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज किया है राइट right? और ये लेसर स्कैनिंग यूनिट ऐसी इमेज क्रिएट करेगा विद द हेल्प ऑफ लेजर बीम ड्रम कि जैसा हमें प्रिंट करना है Again, I repeat, ये laser scanning unit, drum के के ऊपर ऊपर ऐसी करना करना करेगा कि जैसा हमें paper पर actually print करना है, right? मतलब drum के उपर, जो भी पूरा पेपर के ऊपर हमें प्रिंट करना है उसकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी विच इज इनविजिबल हम देख नहीं सकते लेकिन ड्रम के ऊपर ऐसी इमेज क्रिएट हो जाएगी नाउ अगेन आई रिपीट लेसर प्रिंटर के अंदर पाउडर इंक यूज होती है विच इज नोन एज टोनर राइट ये जो टोनर होपर है उसमें से टोनर आएगा

है वो ये कोटेड रोलर के साथ अटैच है राइट ये कोटेड रोलर के ऊपर ऊपर जो जो भी है है वो फोटो रिसेप्टर ड्रम जो चार्ज है, उसके पूरा पूरा फैल जाएगा पूरा जाएगा पाउडर लग लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज पाउडर ड्रम के ऊपर उसी जगह पे रहेगा जहां पे ये लेजर स्कैनिंग यूनिट की वजह से लेजर लाइट की वजह से लेजर बीम की वजह से इमेज क्रिएट हुई है उतनी ही जगह पे ड्रम के ऊपर ये टोनर रहेगा बाकी सारी जगह पे ये टोनर नहीं रहेगा राइट एंड ऑब्वियसली एज ड्रम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और टोनर नेगेटिव चार्ज का है तो एक दूसरे के साथ वो अटैच हो जाएंगे इतना होने के बाद क्या होगा पेपर ट्रे में से पेपर प्रिंटर के अंदर जाएगा राइट right? जैसे ही ये पेपर ट्रे में से पेपर प्रिंटर के अंदर जाएगा आप देख सकते हो कि अगर पेपर ऐसे पास होता है लाइक दिस वे राइट right? ये ड्रम भी रोटेट होगा पेपर भी अपने ये ये रोलर की वजह से रोटेट होगा तो जो भी ड्रम के ऊपर टोनर लगा होगा दैट इज ड्रम के ऊपर जो पाउडर्ड इंक लगी होगी वो पूरी पेपर के ऊपर आ जाएगी एक बार ये पाउडर्ड इंक पूरी पेपर के ऊपर आ गई देन विद द हेल्प ऑफ फ्यूजर वो हिट जनरेट करेगा प्रेस करेगा ताकि जो भी पाउडर्ड इंक थी वो हिट की वजह से मेल्ट हो जाएगी और प्रेसिंग सिस्टम की वजह से पेपर के फाइबर के साथ वो चिपक जाएगी राइट right? सो so ये यहां से पेपर ऐसे पास होगा ये ये में से से जाएगा, उसके बाद ये के help से पूरा पेपर यहाँ से एग्जिट होगा राइट सो दिस इज दिन कि पूरा ये पेपर के ऊपर प्रिंट कैसे होगा राइट सो अगेन आई रिपीट अगर हम लेसर प्रिंटर के वर्किंग की बात करें इसीलिए जब भी आप लेसर प्रिंटर स्टार्ट करोगे उसको प्रिंट कमांड दोगे तो पहले अंदर आपको ऐसी आवाज आएगी कि कोई चीज रोटेट हो रही है एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम लेसर प्रिंटर को प्रिंट कमांड देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा पहले तो फोटो रिसेप्टर ड्रम रिसेप्टर ड्रम है उसके ऊपर एक इमेज क्रिएट हो जाएगी जो हमें एक्चुअली पेपर के ऊपर प्रिंट करनी है और ये इमेज कैसे ये फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर क्रिएट होगी बिकॉज ऑफ दिस रोटेटिंग मिरर जो यहाँ पे है उसके बाद क्या होगा ये जो टोनर है विद द हेल्प ऑफ दिस टोनर कोटेड रोलर वो टोनर विच इज पाउडर्ड इंक वो कहां पे आ जाएगी ऑन दिस फोटो रिसेप्टर ड्रम आपको याद रखना है दैट टोनर इज नेगेटिवली चार्ज राइट सो एक बार ये जो इंक है वो ड्रम के ऊपर आ गई राइट right? उसके बाद क्या होगा उसके बाद पेपर एक्चुअली प्रिंटर के अंदर जाएगा राइट right? पेपर जैसे ही प्रिंटर के अंदर जाता है ये ड्रम भी रोटेट होता होगा और पेपर भी आगे बढ़ेगा तो वो जो इंक पाउडर ड्रम के ऊपर है वो पूरा कहाँ पे आ जाएगा पेपर के ऊपर आ जाएगा एक बार वो पाउडर इंक पेपर के ऊपर आ जाती है देन दिस विद हेल्प ऑफ दिस फ्यूजर जहां पे हीट जनरेट होती है और वो प्रेस भी करता है तो ये फ्यूजर हीट जनरेट करेगा हीट की वजह से वो पाउडर्ड इंक जो टोनर था वो मेल्ट हो जाएगा और पेपर के अंदर जो फाइबर्स होंगे उसके साथ वो चिपक जाएगा बिकॉज ये फ्यूजर हीट जनरेट करने के साथ साथ वो उसे प्रेस भी करेगा एंड आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ दिस रोलर्स पेपर यहाँ से ऊपर से एग्जिट हो जाएगा राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ के प्रिंटर कैसे वर्क करता है राइट right? ओके okay. सो वॉट विद इन लेर कम्पोन है लेसर प्रिंटर इज फोटो राइट फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर ही पूरी इमेज बनती है और उसके बाद वो पेपर के ऊपर आती है राइट सो द कोर कंपोनेट विद इन द लेसर प्रिंटर इज फोटो रिसेप्टर ड्रम उसके बाद लेसर प्रिंटर के अंदर रोटेटिंग मीर होगा राइट right? जिसका यूज़ करके जो बीम ऑफ लेसर होगा वो ड्रम के ऊपर स्वाइप हो सकता है मतलब ड्रम के ऊपर वो फैल सकता है एंड ये जो लेसर बीम है वो फोटोकंडक्टिव ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज करेगा उसके बाद क्या होगा ये जो फोटोकंडक्टर है उसके ऊपर वो पूरी लेसर बीम से वो पॉजिटिवली चार्ज हुआ है उसके ऊपर एक इमेज बन गई अब ये जो इमेज होगी वो इनविजिबल इमेज होगी वो हमें ऐसे ही दिखाई नहीं देगी लेकिन वो ड्रम के ऊपर एक इमेज बन जाएगी उसके बाद क्या होगा ये लेसर प्रिंटर के अंदर वो ड्रम पूरा रोटेट होता होगा राइट वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है उसके बाद वो जो टोनर कोटेड रोलर होगा उसका यूज करके वो जो टोनर है व्हिच इज पाउडरड इंक वो पूरे ड्रम के ऊपर फैल जाएगी अगेन आई रिपीट वो पूरे ड्रम के ऊपर फैल जाएगी अगेन आई रिपीट टोनर विल बी नेगेटिवली चार्ज सो ऑबवियसली ड्रम के ऊपर जहां पे भी पॉजिटिव एरियाज होंगे टोनर व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज वो उसके साथ चिपक जाएगा अगेन आई ड्रम की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज होगी उसी जगह पे पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ पे एक्चुअली इमेज क्रिएट हुई है विद द हेल्प ऑफ लेसर बीम और ये जो टोनर है विच इज नेगेटिवली चार्ज वो ऑब्वियसली पॉजिटिवली चार्ज जो एरिया होगा उसके साथ वो चिपक जाएगा आफ्टर दैट क्या होगा ऑब्वियसली ड्रम रोटेट हो रहा है साइड सो ड्रम के ऊपर जो पाउडर पैटर्न बनी हुई है वो पाउडर पैटर्न पेपर के ऊपर आ जाएगी अगेन आई रिपीट ड्रम के ऊपर जो पाउडर पैटर्न बनी हुई है वो पूरी पैटर्न पूरी इमेज पेपर के ऊपर आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रोलर अगेन आई रिपीट विद द हेल्प ऑफ प्रेशर रोलर नाउ ये जो प्रेशर रोलर है उसका काम क्या है जो ब्लैक टोनर है राइट right? उसे पेपर के ऊपर ट्रांसफर करना है अगेन आई रिपीट प्रेशर रोलर का काम क्या है जो ब्लैक टोनर है उसे पेपर के ऊपर ट्रांसफर करना है राइट नाउ ओवर हियर वन थिंग वी नीड टू थिंगर इज दैट पेपर जो स्पीड से आगे मूव होगा राइट इट विल बी सेम एज द ड्रम स्पीड

मेल्ट होगा और पेपर के अंदर जो फाइबर्स होंगे उसके साथ वो चिपक जाएगा एंड उसके बाद पेपर प्रिंटर में से बाहर राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज प्रिंटर के अंदर पूरा प्रिंट कैसे होता है लेसर प्रिंटर कैसे वर्क करता है राइट right? ये सारी चीजें आपको कंसिडर करनी है राइट और राइट हम एक वीडियो देखते हैं कि लेसर प्रिंटर कैसे वर्क करता है ये वीडियो के अंदर आपको दिखाई देगा कि कैसे लेसर स्कैनिंग यूनिट में से लेसर बीम आता है ये जो मिरर है उसके साथ स्ट्राइक होता है ये जो फोटो रिसेप्टर ड्रम है उसके ऊपर कैसे इमेज बनती है ये जो टोनर टोनर रोलर है वो उसके उसका यूज करके ये ड्रम के ऊपर कैसे वो पाउडर आता है और उसके बाद ये पेपर के ऊपर कैसे इमेज क्रिएट होती है राइट सो so, मैं एक्सप्लेन करूंगी जैसे जैसे ये वीडियो प्ले होता जाएगा See, as you are able to see, अभी ये हो हो रहा है 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 और इसके चार्ज हो रहा है। सी, इलेक्ट्रिक चार्ज है इसके ऊपर ऊपर के, के आपको दिखाई देते हैं उसके बाद ये जो लेसर यूनिट है, उसमें से ये लेसर बीम आया ये मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुआ मिरर के ऊपर स्ट्राइक हुआ और उसके रेज ये पर्टिकुलर फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर आए लेकिन ये वही पैटर्न क्रिएट करेगा जो एक्चुअली उसे पेपर के ऊपर प्रिंट करनी है सी सी उसने पैटर्न क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया ये जो है ऊपर आपको ऑरेंज कलर की लाइंस दिखाई दे रही है सी उसने पैटर्न्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया एक बार पूरे फोटो रिसेप्टर ड्रम के ऊपर पैटर्न क्रिएट हो जाती है उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस टोनर कोटेड रोलर विच इज़ सी उसके ऊपर टोनर लगना स्टार्ट हो गया सी उसके ऊपर टोनर लगना स्टार्ट हो गया अभी आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा ड्रम टोनर से कवर है लेकिन टोनर उसी जगह पे रहेगा जहां पे एक्चुअली वो लेसर बीम की वजह से इमेज बना है सी बाकी जगह से टोनर हट जाएगा, because toner is negatively charged और drum के ऊपर एक इमेज क्रिएट हुई होगी, पे होगा, वही जगह पे टोनर स्टिक होगा बाकी जगह से वो निकल जाएगा एंड आफ्टर दैट पूरे ड्रम के ऊपर इमेज बन जाती है उसके बाद पेपर अंदर जाएगा सी जैसे ही पेपर आगे बढ़ता गया ड्रम के ऊपर जो टोनर था वो पेपर के ऊपर आने लगा रिपीट right? जो ड्रम के ऊपर टोनर था राइट right? वो पेपर के ऊपर आ गया एंड आफ्टर दैट वो फ्यूजर में से पास होगा उसके ऊपर हीट जनरेट होगी और वो टोनर मेल्ट होगा पेपर के फाइबर के साथ अटैच हो जाएगा राइट right? और पेपर के ऊपर हमें पूरी इमेज क्रिएट हुई मिलेगी That's why आपने अगर मर किया हो तो लेजर प्रिंटर में से जब भी पेपर बाहर आता है प्रिंटिंग होने के बाद तो वो थोड़ा गर्म होता है बिकॉज उसके अंदर जो हीट जनरेट हुई होती है वो अभी भी वो पेपर के ऊपर हमें महसूस होती है वी कैन फील द हीट दैट वॉज जनरेटेड विद इन द प्रिंटर राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ लेसर प्रिंटर एक्चुअली कैसे वर्क करता है राइट राइट स्टूडेंट्स So this is all about the topic that is laser printer.